आज हम बनाने वाले हैं कद्दू और बड़ी की फ़ौरन वाली सब्ज़ी। कद्दू को हमने पहले ही बारीक एकदम काट लिया है। इसे पहले कुकर में डाल के 2 सीटी लगा लेंगे। आज हम बनाने वाले हैं कद्दू और बड़ी की सब्ज़ी, इसलिए हम पहले इसका फ़ौरन तैयार कर लेते हैं। 1 बारीक प्याज कटी हुई है, 2 सूखी मिर्च, 3 तेज़पत्ता हमने लिया है, ये है 5 फोड़ना और ये 1 प्लेट बड़ी। पहले हम बड़ी को फ्राई कर लेते हैं। मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें बड़ी को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई हमारी एकदम गर्म हो गई। अब इसमें हम बड़ी को थोड़ा सा सेलो फ्राई होने तक हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये थोड़ा तीखा तीखा लगने लगता है सब्ज़ी में। ये देखिए बड़ी बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। अब हम फ़ौरन डालते हैं कढ़ाई में 2 सूखी मिर्च और 3 तेज़पत्ता। इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें कद्दू को डालेंगे, जो हम पहले ही सीटी लगा करके रख लिए हैं। 2-3 सीटी काफ़ी होता है कद्दू को गलने के लिए। ये देखिए कद्दू उबल के तैयार हो गई है। प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई। अब इसमें हम कद्दू को डाल देते हैं। हल्दी ऐड करेंगे, अब थोड़ा नमक, लगभग 15-20 मिनट लगेगा इसको पकने में, सूख जाएगा पूरा पानी, तब जाके हमारी सब्ज़ी कंप्लीट होगी। इसको ढक देते हैं। बड़ी को हम लास्ट में डालेंगे, नहीं तो बड़ी हमारी बहुत ज़्यादा टूट जाएगी। जब हमारा सब्ज़ी 80% पक जाएगा तब हम इस बड़ी को सब्ज़ी में ऐड करेंगे। लगभग सब्ज़ी हमारी पक गई है। अब इसमें हम बड़ी ऐड कर देंगे। सब्ज़ी को थोड़ा और सुखा लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा भी पानी है, ऐसे मिलाते हुए पकते निकाल लेते हैं। सब्जी बन गई है। इसे धनिया पत्ता से सजा देते हैं। इससे हमारी कद्दू बड़ी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छा टेस्टी बन तैयार हो गई है। इसे गर्मा गर्म पराठा के साथ आप खा सकते हैं। एक बार ज़रूर बनाइए और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए मेरी बड़ी बिल्कुल नहीं टूटी है, बहुत अच्छे से बनी है। थैंक यू।